Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video. I hope you are doing well. तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पर्पल कट क्रीज आई मेकअप लुक, और वो भी बहुत ही इजी स्टेप के साथ. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो मैंने अपने फेस में अच्छे से क्लिनजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है एंड देन मैंने प्राइमर इनसाइड का अप्लाई किया था. उसके बाद मैं सबसे पहले अपने आईब्रो को फिल करना स्टार्ट करूंगी. आईब्रो को फिल करने के लिए नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड ऊपर में भी अच्छे से एक लाइन ड्रॉ कर देना है और देन उसको अच्छे से फिल कर देना है. उसके बाद अच्छे से स्पूली की हेल्प से उसको कॉम कर देना है. आईब्रो को क्लीन करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर, क्रीम कंसीलर. तो इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर दे रही हूँ और देन इसको मैं पूरी लिड एरिया पे भी अप्लाई कर दूंगी एंड फोर हेड पे मैं सीसी क्रीम अप्लाई कर लूंगी. इसको अप्लाई करने के बाद अच्छे से हम इसे ब्लेंड कर देंगे देन इसको पाउडर से सेट कर देंगे. उसके बाद मैं सबसे पहले ले रही हूँ पिंक कलर का आई शेडो जिसको मैं क्रीज एरिया पे अप्लाई करूंगी एंड आउटर कॉर्नर को वी शेप में ड्रॉ कर रही हूँ और देन हल्का हल्का सा ब्लेंड भी कर रही हूँ. और इसके एजेस को ब्लेंड करने के लिए मैं ले रही हूँ लाइट ऑरेंज कलर का शेड और उसको अच्छे से मैं इसके एजेस को ब्लेंड कर दूंगी. देन क्रीज एरिया को डार्क करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन कलर का शेड और उसके बाद मैंने लिया है ब्लैक कलर का शेड जिसको मैं क्रीज एरिया को डार्क करने के लिए यूज़ कर रही हूँ और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ और आउटर कॉर्नर पे भी अप्लाई करके वी शेप में अच्छे से ब्लेंड कर देना है. देन इन सारे शेड को अच्छे से खाली ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर देना है. देन मैं बना रही हूँ कट क्रीज सेम कंसीलर की हेल्प से. जैसे मैंने हाफ कट क्रीज बना ली है और उसके एजेस को ब्लेंड करने के लिए मैं पर्पल कलर का शेड ले रही हूँ और ब्लैक कलर के शेड को मिक्स करके अच्छे से ब्लेंड कर दिया. देन मैंने डार्क पर्पल शेड लिया है ब्लैक कलर के बगल में अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद गोल्डन कलर का शिमरी शेड लिया है जिसको मैं इनर वी पे अप्लाई कर रही हूँ और वाइट लाइनर जो आता है उससे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ कट क्रीज के ऊपर. देन मैंने हल्का सा ग्लिटर भी अप्लाई किया है वाइट कलर का चंकी ग्लिटर. उसके बाद मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ विंग्ड लाइनर. लाइनर के लिए मैंने यूज किया है फेसेस कनाडा का लाइनर. उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई कर ले रही हूँ. देन मैं एनवाईवे का वाइट काजल यूज कर रही हूँ वाटर लाइन पे और लोअर लैश लाइन के साथ साथ मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लैक कलर का शेड. और मैंने पर्पल कलर के शेड के साथ उसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया है. देन मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए सिल्वर शेड. तो ये है मेरा फाइनल लुक. आई होप गाइस आपको मेरा ये लुक पसंद आया होगा. अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.